प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को महावन स्थित रसकान समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बोर्ड बैठक में भाग लिया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त जन प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा अभी तक कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को ब्रज के बेहतर विकास के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की विकास कार्यों के समय पर एनओसी देने के लिए कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बरसाना में पार्किंग के लिए जमीन क्रय कर पार्किंग विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने समुचित साफ सफाई और प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था को इस पर विशेष रूप से अधिकारियों के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज क्षेत्र में चलाए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की, साथ ही अधिकारियों को ब्रज को स्वच्छ, हरा भरा और विकसित करने के लिए निर्देशित किया। गौरतलब है कि अभी तक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा करीब 400 करोड़ की योजना के अंतर्गत कार्य कराए जा चुके हैं। आने वाले समय में ब्रज में बेहतर विकास के लिए अधिकारियों को और निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ विकास परिषद की बैठक ले रहे हैं, के साथ में जनप्रतिनिधि भी हैं जो अभी तक विकास कार्य कराए हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। भविष्य में क्या योजनाएं ब्रज के बेहतर विकास के लिए हो सकती है, इस पर वो चर्चा कर रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ देर में बरसाने के लिए रवाना हो गया मेरी जो कि अभी अभी मुख्यमंत्री यहाँ से बरसाने के लिए रवाना होंगे, लेकिन अभी कुछ देर तक अभी यहाँ बैठक चल रही है, वो हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। रसकान समाधि स्थल पर जहाँ पर कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। ब्रज विकास परिषद द्वारा जो काम कराए की समीक्षा चल रही है, ब्रज के विकास को लेकर काफी गंभीर है मुख्यमंत्री। ब्रज को कैसे डेवलप किया जाए, ब्रज का जो पुरातन जो स्वरूप है उसे कैसे संरक्षित किया जाए, इन सभी विषयों पर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले रसकान समाधि स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने रसकान समाधि स्थल के पूरे परिसर का उनके द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि वहां जो काम कराए हैं, रसकान समाधि स्थल को जिस तरीके से सौंदर्यीकरण में तब्दील किया गया है उसका उनके द्वारा जायजा लिया गया। उसके बाद वो बैठक उनके द्वारा की जा रही है। यहाँ से अब सीधे बरसाना के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि 2 दिन के मथुरा जनपद के दौरे पर है। न्यूज कैमरा पर्सन कोमल पारासर के साथ गोविंद, भारद्वाज।